सभी साथ भाई जुड़े हुए भाई बहन को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज हम बैठ के ही योगाभ्यास करने वाले हैं। पहले हम वार्म अप करते हैं। वार्म अप के लिए बैठ के ही वार्म अप करेंगे। दोनों पांव सीधे करने हैं, दोनों पैरों को सामने फैलाए, पहले घुटनों के लिए, घुटने के लिए, कमर के लिए, कंधों के लिए, ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं। पहले घुटनों के लिए एक पैर से मोड़ के घुटने को टपकाना है। वार्म अप से हमारे शरीर में गर्मी पैदा होती है, इसीलिए वार्म अप जरूरी है। कौन सा भी आसन करने से पहले हमें वार्म अप जरूरी है। अभी दोनों पैर से घुटनों से मोड़ के पैर को टपकाना है। मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, हमारी मांसपेशियां भी मजबूत। जो वार्म अप से शरीर में स्फूर्ति आती है, इसलिए वार्म अप करना है। रिलैक्स, हर एक क्रिया के बाद एक रिलैक्स होना। अभी वो हमारा घुटनों की क्रिया हुई। अभी हम करेंगे कमर के लिए। पैर को सामने फैलाए रखना है, दोनों हाथ शोल्डर के लेवल से आगे झुकना पीछे। इस क्रिया से कमर में हल्कापन आता है। सामने पूरा, जितना हम सामने अंगूठे से जितना सामने जा सकते उतना सामने जाना है। फिर पूरा पीछे, जितना हम पीछे आ सकते उतना पीछे आना है। इससे हमारी कमर लचीली होती है। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए चालन करेंगे। चक्के चालन के लिए दोनों पैरों में गैप लेना है। हाथों की मुद्रा बनानी है ऐसी वाली, जैसे हम ताड़ासन में करते हैं उससे उल्टा करना है। लेफ्ट अंगूठे से पकड़ के राइट से घुमा के, जैसे चक्की चलती है, चक्की चालन इसको बोलते हैं। पूरा आगे आना है पीछे। इससे भी अपने कमर में, हाथ में, शोल्डर में बहुत अच्छा तनाव आ जाता है। पूरा जितना हम झुक सकते हैं उतना। लेफ्ट अंगूठे को टच करते हुए राइट से पीछे, फिर आगे से पीछे। ये हुआ हमारा एंटी क्लॉक। अभी हम विपरीत दिशा में करेंगे। हर क्रिया विपरीत किया तो उससे ज्यादा लाभ होता है। राइट से लेफ्ट, पहले हमने लेफ्ट से राइट किया था। रिलैक्स, हर क्रिया के बाद थोड़ा सा रिलैक्स होना जरूरी है। शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, उसके लिए थोड़ा सा रिलैक्स। अभी हम करेंगे नौका चालन में दोनों पांव सटे हुए रहेंगे, हाथ की मुद्रा रहेगी, जैसे नौका नाविक करता है वैसे। और श्वास, इससे अपने फेफड़ों में मजबूती आती है। फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा आसन है नौकासन। श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे आने। इसमें भी घुटने मोड़ने नहीं चाहिए, घुटने सटे ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसे सटे रहना है घुटनों को। ये भी आसन कमर के लिए भी बहुत अच्छा है, शोल्डर के लिए, हाथों के लिए बहुत अच्छा क्रिया है, बहुत अच्छी क्रिया है वार्म अप एक्सरसाइज।
अभी विपरीत दिशा में। रिलैक्स, हर एक क्रिया में रिलैक्स होना है। ये हुई हमारी पहली घुटनों की क्रिया। बाद में कमर की क्रिया हुई, थोड़ा सा रिलैक्स। अभी हम अपने शोल्डर के लिए करेंगे। सुखासन में बैठ जाइए, शोल्डर के लिए घुटने, घुटनों पे दोनों हाथ, शोल्डर को घुमाना है ऊपर से आगे से पीछे से आगे, पीछे से आगे, सिर्फ शोल्डर को घुमाना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। गर्दन मेरुदंड सीधा रहना चाहिए अपना, सिर्फ शोल्डर की क्रिया। अभी उल्टा विपरीत दिशा में, आगे से पीछे, पूरा राउंड लेना है इसे। देखो हमारे शोल्डर में बहुत अच्छी तरह से आराम मिलता है। आगे से पीछे, आगे से पीछे, जितना हम पूरा गोल राउंड बनाएंगे उतना ही हमें फायदा हो जाएगा। हाथ भी उठने नहीं चाहिए, गर्दन भी वहां ये वाला सीधा। रिलैक्स। अभी हम शोल्डर के लिए और हाथ के लिए दोनों के लिए नई क्रिया करेंगे। मुद्रा बनाइए, शोल्डर पे रखनी है, सिर्फ हाथों को ऊपर नीचे करना है। कोनिया सीधी, हाथ स्ट्रेट डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप। जितने हमारे कोनिया सीधी हो जाएंगी उतना हमें फायदा मिलता है। कोनिया सीधी और कान से सटे हुए रहने चाहिए। डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। रिलैक्स। अभी इसी मुद्रा में हम शोल्डर को गोल गोल घुमाएंगे, कोनिया मिलती मिलाती हुई सामने से पूरा सर्कल, पीछे से लेना है। जितना हम हाथ स्ट्रेट करेंगे, कान से सट करके लेंगे, उतना हमको फायदा मिलता है। ये देखो ये शोल्डर के, शोल्डर के लिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छी क्रिया है। कोनिया मिला के करते हैं तो ज्यादा फायदा होता है, पूरा हमें यहाँ पे भी फेफड़ों में भी स्पेस होता है। जितना हम सामने से फिर पीछे से लेते हैं हाथ, ज्यादा फायदा होता है। अभी उल्टा, आगे से पीछे, आगे से पीछे, मेरुदंड और गर्दन सीधे, सिर्फ हाथों की क्रिया करनी है। ये हमारे शोल्डर के लिए, जहां पे यहाँ हमें पेन होते उसके लिए, यहाँ पे जर्बी चढ़ी होती है उससे भी इसमें राहत मिलती है, फायदा होता है। रिलैक्स। अभी इसमें और एक क्रिया हम जोड़ सकते हैं, कोनी को पकड़ लेनी है ऐसे, ये वाला हाथ, ये वाला उल्टा, ये वाला उल्टा, ऐसे पकड़ लेना है। जितना हम खींच सकते हैं ऊपर खींचना है, ये मुद्रा ऐसी रहेगी हमारी। जितना और हाथ कान से सटे हुए चलने चाहिए, मेरुदंड सीधा, सीधा बैठना, झुक के भी नहीं बैठना, पीछे भी नहीं जाना, सीधा हाथ को जितना ऊपर खींच सकते हैं, खींचना है ऊपर उतना है। एक दो, एक खींचो ऊपर जितना खींच सकते हो, अपनी क्षमता के अनुसार करना है। दो, एक दो। इस क्रिया से हमें मेरुदंड में, जितना हम खींचते हैं मेरुदंड में भी फायदा होता है, मेरुदंड भी अपना खींच जाता है। खींचो, एक दो, एक दो। रिलैक्स। अभी इसी क्रिया में हम दाएं बाएं भी, राइट लेफ्ट भी
कर सकते हैं। लेफ्ट, ये कोहनी हमारी जो ये वाली कोहनी है सीधी यहाँ पे रही तो ज्यादा फायदा होता है। एक इस स्ट्रेट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट, हाथ को खींचना है। देखो यहाँ पे हमारे पूरा खींच तनाव आता है, खींचने से तनाव आ जाता है तो हमें रिलैक्स हो जाता है। नीचे खींचना है, जितना हम खींच सकते हैं खींचना है। रिलैक्स, इससे हमारे जो भाई बहन ऑफिस में काम करते हैं, कुर्सी पे काम करते हैं, उनके लिए देखो यहाँ से उनको बैठ बैठ के काम करना पड़ता है। गर्दन का, शोल्डर का, दोनों क्रिया इसमें आ गई। जब ये वो करते हैं तो रिलैक्स हो जाएंगे। ये आसन करने, एक क्रिया करने से उन्हें बहुत राहत मिलेगी, उनके लिए आसन बहुत अच्छा है। अभी इसी क्रिया में, अभी ये तो हुआ हमारा वर्म अप। वर्म अप से हमारे शरीर गर्म हो गया, सुस्ती फुर्ती आ गई, आलस्य दूर हो गया। अभी हम आगे आसन का प्रयोग करेंगे। कुछ आसन हम बैठते ही करने वाले हैं। पहले हम करेंगे पद्मासन, सुखासन। आसन ध्यान लगाने के लिए चार आसन का प्रयोग किया जाता है, सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन और पद्मासन। पहला हम सुखासन करेंगे। सुखासन में कुछ नहीं, पालती मार के बैठना है, जैसे हमें रिलैक्स लगे वैसे बैठना है। रिलैक्स। मुद्रा, ध्यान में हम दो मुद्रा लगाते हैं, ज्ञान मुद्रा या वितरण मुद्रा। कौन से हमें चाहिए वैसी मुद्रा लगानी। रिलैक्स, मेरुदंड गर्दन सीधी, श्वास नॉर्मल। ध्यान की सुखासन वाली ये भी एक ध्यान की मुद्रा है, श्वास नॉर्मल। ये हमारी ध्यान मुद्रा, दाया 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 बाया हाथ ऊपर, दाया हाथ ऊपर और बाया हाथ नीचे, दोनों अंगूठे मिले हुए ये हमारी वितरक मुद्रा। कौन से भी मुद्रा हम लगा सकते हैं। और इस सुखासन में हम, इसीलिए सुखासन बोला है कि ज्यादा देर तक हम ध्यान में बैठ सकते हैं। किसी को पद्मासन में तकलीफ होती है, अर्ध पद्मासन में होती है, वज्रासन में होती है, घुटने का प्रॉब्लम हो तो, लेकिन इसमें कैसे आराम से हम बैठ सकते हैं। अगर कोई नीचे नहीं बैठ सकता है तो कुर्सी पे भी हम ये आसन लगा सकते हैं। रिलैक्स, दोनों पैरों को सामने फैलाए, रिलैक्स होना है। हर एक आसन के बाद थोड़ा सा रिलैक्स होना तो हम अगला आसन अच्छी तरह से कर पाते हैं। श्वास भी हमारा थोड़ा सा चढ़ा हुआ रहता है तो नॉर्मल हो जाता है। अभी हम करेंगे वज्रासन। वज्रासन में पहला लेफ्ट पैर को मोड़ के लेना है, फिर राइट पैर को उंगलियां मिली हुई और एड़ियां फैलाई हुई। ये देखो पीछे से मैं दिखाती हूँ, ये वाला, ये उंगलियां मिली हुई रहेगी, हम एड़ियों पे बैठना है, एड़ियां फैली हुई, उंगलियां अंगूठिया अंगूठे मिले हुए रहने चाहिए, ऐसे वाले। और स्ट्रेट, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, ऐसे वाली पोज रहेगी हमारी, घुटने भी सीधे, हाथ घुटनों पे। ये हुआ हमारा वज्रासन। इस आसन में भी ध्यान लगा सकता है, इसमें भी हम ज्ञान मुद्रा लगा के बैठ सकते हैं। श्वास नॉर्मल, मेरुदंड और गर्दन सीधे।
रिलैक्स। बहुत से आसन करने इसीलिए मैं ज्यादा देर तक नहीं करवा रही हूँ, अभी आगे हमें और आसन करने हैं, रिलैक्स होना है। अभी वज्रासन में बैठे इसी आसन में हम एक वंदन आसन करके देते हैं। दोनों एड़िया तो एड़ियों पे बलाना है, ये ऐसे वाला दोनों एड़िया ऐसे रहेगी। पंजों पे बैठना है, पंजों के बल बैठना है, घुटने सीधे, ये हुआ हमारा वंदन आसन। सर स्टार्टिंग में प्रार्थना लेते हैं तो वंदन आसन बोलते हैं ना, तो ये हुआ हमारा वंदन आसन। श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना, ये हुआ हमारा वंदन आसन। सीधे बैठना है, इसमें भी हम कोई कोई इसमें भी मुद्रा लगाते हैं, पंजों के बल रहते हैं। ये हुआ हमारा वज्रासन वंदनासन। अभी हम आएंगे वज्रासन। अभी वज्रासन में ही हम कुछ आसन करेंगे। वज्रासन में शशांक आसन भी किया जा सकता है कि करते होता है। तो शशांक आसन चार प्रकार से करते हैं, तो चारों प्रकार हम ले लेंगे। पहला प्रकार, साइड से हाथ को स्ट्रेट ए ऊपर ऐसे लेके नमस्कार मुद्रा, पूरा ये वाला ऊपर हाथ हमारा जॉइंट और हाथ पूरे खींचने हैं, ऊपर खींच के कान से सटे हुए रहने चाहिए। शशांक आसन हमारे बच्चों के लिए, स्मरण शक्ति के लिए, याददाश्त के लिए बहुत अच्छा आसन है। इससे भी हमारा मेरुदंड, गर्दन, घुटने, हाथ सब पे अच्छा तनाव हो जाता है, रिलैक्स। अभी हम श्वास भरते हैं, श्वास छोड़ते छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना है और ललाट को नीचे लगाना है, जमीन पे लगाना है। और श्वास छोड़ा हुआ रहता है तो इसमें हम रुक सकते हैं, ज्यादा ज्यादा देर तक हम रुकते हैं ना तो उतना हमें फायदा होता है। अगर ज्यादा देर रुकता है तो श्वास नॉर्मल भी किया जा सकता है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर हाथ साइड से नीचे, हम 5, 6, 10, 15 सेकंड तक हम रुक सकते हैं, फिर एक बार करेंगे। हर क्रिया हम 2 बार करेंगे। हाथों को ऊपर तनाव देना है, हाथ कान से सटे हुए, श्वास भरो, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, ललाट को जमीन पे लगाना। श्वास भरते हुए सीधे नीचे, ये वो हमारा शशांकासन का पहला प्रकार। अभी हमने साइड से लिया था, अभी हम सामने से हाथ को लेते हैं, ये वाला ऐसा। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर तनाव देना है, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, ललाट को जमीन से लगाना है। अपनी कैपेसिटी के अनुसार अपने को रुकना है। जितना हम ज्यादा यहाँ पे रुकते हैं, स्थिर हो जाते हैं, उतना ही हमें फायदा होता है। श्वास भरते हुए ऊपर दोनों हाथ नीचे, ये हुआ हमारा दूसरा प्रकार। और एक बार करते हैं, हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर, मेरुदंड सीधा, श्वास छोड़ते हुए ललाट को भूमि से लगाना है। श्वास भरते हुए ऊपर हाथ को नीचे, ये हुआ हमारे शशांक आसन का दूसरा प्रकार। अभी तीसरा प्रकार करते हैं, दोनों मुट्ठियों को रिलैक्स हो, 1 मिनट।
तीसरा प्रकार मोठिया बंद, अंगूठा अंदर मोठिया बंद, और इसको हमको पीछे पीछे नहीं ज्यादा पीछे में, यहाँ पे अपने पैरों के यहाँ बाजू में रखना है स्ट्रेट। श्वास भरना है, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे, हाथ को ऐसे मोड़ना नहीं है, हाथ स्ट्रेट, ललाट को श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ललाट को नीचे लाना है। ये हाथ हमारे स्ट्रेट ही रहेंगे, मोड़ना नहीं है, कोरियों से मोड़ना नहीं है। धीरे धीरे ऊपर, फिर एक बार करते हैं, श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ललाट को भूमि से लगाना है। श्वास भरते हुए ऊपर, अभी है हमारा हो गया तीसरा प्रकार। अब हम करेंगे इसमें ही चौथा प्रकार, शशांकासन का चौथा प्रकार। चौथे प्रकार में दोनों घुटने को, घुटने में डिस्टेंस होना चाहिए, फासला होना चाहिए, हाथ यहाँ पे, या ऐसे भी होता है, दोनों तरह से करते। पहले वाला हम करेंगे उंगलियां पीछे से मिली हुई, हम एड़ियों पे बैठना है, सिर्फ घुटने को लंबा करना है, फासला लेना है घुटनों में। अभी हम ये वाला है, सामने से आगे लेते हाथ को, जितना तनाव देते उतना तनाव देना है, मेरुदंड को ऊपर खींचना है। तो जैसे हम मेरुदंड को ऊपर खींचते हैं, तो जैसे हम झुकते हैं, तो उतना आसानी से हम झुक पाते हैं, तकलीफ नहीं होती हमें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे। अभी इस आसन में हम, पहले तीन आसन में हमने ललाट को भूमि पे लगाया था, अभी इस आसन में हम थूटी को जमीन पे लगाने वाले हैं। इस आसन में थूटी को जमीन पे लगाते हैं, हाथों को ऊपर, कान से सटे हुए दोनों हाथ, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे, नजर सामने, ये हमें थूटी थूटी को लगाना है। जैसे अपने को अपनी क्षमता अनुसार रुकना है, अगर ज्यादा देर रुकना है तो श्वास को नॉर्मल भी किया जा सकता है। धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेके नीचे, पहले तीन आसन हमने ललाट को भूमि पे लगाया था, इस आसन में थूटी को जमीन पे लगाया है। और एक बार करते हैं, हाथों को ऊपर स्ट्रेट स्ट्रेच करना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे थूटी को जमीन पे लगाना है। ये देखिए, धीरे धीरे श्वास भरते हुए फिर ऊपर हाथ पे हाथ को नीचे, ये सब आसन हम चार की गिनती के साथ भी कर सकते हैं। रिलैक्स, ये हमारा हुआ शशांकासन। शशांकासन हम चार प्रकार से किया। अभी पैरों को सामने फैला लो, रिलैक्स। हर एक आसन के बाद 2 मिनट फिर थोड़ा सा रिलैक्स होना, ताकि हमें जो श्वास होता है उसे नॉर्मल होने तक रिलैक्स। अभी हमने ध्यान के दो प्रकार, एक सुखासन किया, ध्यान लगाने में जो करते हैं, एक सुखासन किया, दूसरा वज्रासन किया। वज्रासन में हमने शशांकासन का भी अभ्यास किया। अभी हम तीसरा प्रकार अर्ध पद्मासन। अर्ध पद्मासन के लिए पालकी मार के बैठना है, जब भी पहले सुखासन में बैठते थे वैसे बैठना है, एक पैर को ऊपर चढ़ा दे, कौन सा भी चढ़ाओ, राइट चढ़ाओ
या लिफ्ट चढ़ाओ, कौन सा भी एक पैर को ऊपर चढ़ाना है। और इसमें भी ज्ञान मुद्रा या वितरण मुद्रा, वितरण मुद्रा लेफ्ट नीचे राइट ऊपर दोनों उंगलियों को ऐसे मिला के वितरण मुद्रा होती या ज्ञान मुद्रा। ये उंगलियां ऐसे नीचे में ऊपर ही रहनी है, इसमें भी हम ध्यान लगा सकते हैं। ये वो हमारा अर्ध पद्मासन, एक पैर को ऊपर लिया है इसीलिए अर्ध पद्मासन हुआ। हम मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद करके ध्यान लगा सकते हैं इस आसन में भी, अर्ध पद्मासन। श्वास को नॉर्मल करना है। चेहरा शांत, आंखें कोमलता से बंद। इसमें हम वितरण मुद्रा भी लगा सकते। मेरुदंड और गर्दन हमारी सीधी, कौन से भी आसन लगाते तो चारों आसन में मेरुदंड सीधा, झुक के भी नहीं बैठना है, पीछे भी नहीं, स्ट्रेट रहना है। मेरुदंड में खिंचाव आता है, मेरुदंड भी हमारा इस आसन से लचीला होता है। अभी हम सुखासन में किया, अभी इसमें ही एक पैर को हमने ऊपर चढ़ाया था, अभी दूसरा पैर को ऊपर चढ़ाते तो ये हुआ हमारा पद्मासन, ये हुआ हमारा पद्मासन। दोनों पैर से कर सकते, पहला तो हमने एक अगर ये रखा हुआ है तो दूसरा पैर ऊपर लेना है, ये हमारा पद्मासन। इस पद्मासन में भी हम ज्ञान मुद्रा वितरण मुद्रा दोनों मुद्रा लगा सकते। और ध्यान के लिए बड़ा महत्वपूर्ण आसन पद्मासन है, महत्वपूर्ण आसन बताया गया है ध्यान के लिए पद्मासन। इसमें भी वितरण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, श्वास नॉर्मल, मेरुदंड गर्दन को सीधा रखना है, आंखें कोमलता से बंद, श्वास नॉर्मल। रिलैक्स, पैरों को खोलना है सामने की तरफ, पैरों को सामने खोल लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स। अभी वज्रासन में और एक प्रयोग किया जा सकता है, वज्रासन में सुप्त वज्रासन, वज्रासन में आ जाइए। अभी वज्रासन में हम वज्रासन में बैठते हैं तो पहले कोहनियों के बल आना है, कोहनियों के बल आओ, गर्दन को ऐसे, फिर गर्दन को भी पूरा जमीन से मिलाना है, फिर हाथों को जंगाओं पे रखना है। यह हमारा हुआ सुप्त वज्रासन। फिर से कोहनियों को टिकाना है, कोहनियों के ऊपर आके धीरे धीरे गर्दन को उठा के फिर सीधे हो जाना है। यह हमारा हुआ सुप्त वज्रासन। फिर एक बार करते हैं, पहले कोहनियों को पीछे जाके कोहनियों को टिकाना है, कोहनियों का सपोर्ट लेना है, बाद में गर्दन को नीचे लेके हाथों को जंघों पे रखना है। फिर कोहनियों के बनाना, गर्दन को ऊपर उठाना है, फिर धीरे धीरे
सीधे हो जाता है। यह हमारा हुआ था सुप्त वज्रासन। पैरों को खोल दे, आगे सामने सामने करना है, रिलैक्स। ये सुप्त आसन में भी हमें जो यहाँ की मांसपेशियां, यहाँ की चर्बी चढ़ी होती है, उसमें भी बहुत फायदा हो जाता है सुप्त वज्रासन से। गर्दन के लिए भी और फेफड़ों के लिए भी ऐसा बहुत फायदेमंद है। रिलैक्स, अभी हमने चारों आसन के, चारों प्रकार के आसन के प्रयोग किए, सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन और पद्मासन। अभी हम करेंगे अभी हमको वंदन आसन में। वंदनासन में हम दो आसन करेंगे। ये हुआ हमारा वंदनासन। वंदनासन में पुष्पासन और अर्धचंद्रासन, ये दो आसन हम करने वाले हैं। पहले हम करेंगे अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन तीन प्रकार से किया जा सकता है। एक ये वाली हाथों के ऐसे हाथों को फोल्ड करके ये करना है और घुटनों के बल आना है, फिर धीरे धीरे अर्धचंद्रासन। पीछे जितना हम पीछे जा सकते हैं और गर्दन को पीछे ले जा सकते हैं उतना लेना है। श्वास भरते हुए ऊपर रिलैक्स। फिर और एक बार करते हैं, घुटनों के बल आना है, एड़िया मिली हुई, हाथ बंधे हुए, धीरे धीरे पीछे जाना। रिलैक्स। और एक प्रकार से इसको भी किया जा सकता है अर्धचंद्रासन। अभी हमने हाथों को फोल्ड किया था, अभी कमर पे रख के भी कर सकते हैं। कमर पे उंगलियां आगे, अंगूठा पीछे, एड़िया मिली हुई, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे, गर्दन को भी पीछे। रिलैक्स। ये हुआ हमारा अर्धचंद्रासन का दूसरा प्रकार। अभी हम पहले तो हाथ की मुद्रा बनाई थी, कमर पे हाथ रखा था, अभी हम पीछे। अगर कमर में थोड़ा सा दर्द हो तो हम आसानी से कर सकते हैं। घुटनों के बल आना है, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पीछे। भरते हुए ऊपर। ये हुआ हमारा अर्ध चंद्रासन। अभी हम करेंगे पुष्पासन। इसमें भी हमको घुटनों के बल ही आना है। अगर किसी को घुटने में दर्द हो तो ये आसन ना करे। पुष्पासन में पहले राइट हैंड को ऊपर ले जाके राइट एड़ी को पकड़ना है, लेफ्ट हैंड को ऊपर लेके लेफ्ट हैंड और पेट को आगे निकलना है। इसमें भी हमारे फेफड़ों में, कमर में बहुत अच्छा रिलैक्स महसूस होता है। बहुत अच्छा आसन है हमारे कमर के लिए और फेफड़ों के लिए। फेफड़ों भी ऐसे और पेट पेट बाहर निकालना एवं और गर्दन को पीछे आसन कर सकते हैं। अभी हमने रिलैक्स, पैरों के सामने फैलाओ, रिलैक्स,
अभी हम करेंगे उत्कटासन और गो दुएकासन। उत्कटासन और गो दुएकासन में भगवान महावीर ध्यान लगाते थे और गो दुएकासन में ही उनको केवल ध्यान हुआ था। पहले हम करेंगे उत्कटासन। उत्कटासन के लिए बैठना है, पंजों के बल बैठना है पूरा, ये वाला 4 इंच पंजों में फैसला, 6 इंच और 4 इंच एड़ियों में फैसला, एक क्रॉस में वी शेप और ये ऐसा ऐसी मुद्रा घुटनों पे या ऐसी मुद्रा, ये मोची आसन भी कहा जा सकता है शायद। इसमें महावीर भगवान ध्यान लगाते थे। कमर मेरुदंड झुकनी नहीं चाहिए सामने पूरा, ये मल त्याग के लिए बहुत अच्छा आसन है। बद्ध की जो अपनी बीमारी है बहुत अच्छी तरह से इसमें फायदा मिलता है। ये वाला ऐसे भी मुद्रा लगाते हैं, ऐसे भी मुद्रा लगाते हैं, ये वाला आसन किया जा सकता है। अभी तो कमर का प्रयोग होता है, इस आसन का प्रयोग ज्यादा नहीं होता है। पहले तो इसी आसन में मल त्यागने की मल त्याग देते थे। रिलैक्स, हर एक आसन के बाद थोड़ा सा रिलैक्स होना, श्वास को नॉर्मल कर लिए। देखो इस आसन से हमें यहाँ पे भी खींचा जाता है, जब भी हम इस आसन में बैठते तो पेट पे भी दबाव पड़ता है, तो हमारे इसी आसन से हम पवन मुक्तासन भी करते तो हमारे गैसेस की प्रॉब्लम, बद्धकोष्ठता आसानी से प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं हमारे। रिलैक्स। अभी हम करेंगे दुहिकासन। दुहिकासन में पहले वाला लोग पहले या अभी भी गाँव में होता है, हमारे शहर में नहीं देखने को मिलता है। पंजों के बल बैठ के, पंजों के बल बैठना है, पंजों के बल दोनों हाथ बैलेंस बना के लेना है, उंगलियों पे एड़ियां उठी हुई रहनी चाहिए और एड़ियों पे हमें बैठना है। मुद्रा ये वाली मुद्रा, जितना हम बैठ सकते हैं उतना हमें इस आसन में बैठना है। बैलेंस बना के रखिए, ऐसे ही वाला लोग दूध निकालते हैं। हर आसन में हम ज्यादा देर रुकने का प्रयास करेंगे, 5, 10, 15 धीरे धीरे बढ़ाना, इससे हमारी एकाग्रता भी बढ़ती है इस आसन से और हमारा पूरा शरीर का भार पंजों पे आता है। यह आसन बहुत अच्छा है। मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद करके भी इसे कर सकते हैं। ये वाली मुद्रा, रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, फिर एक बार ये सेशन को करेंगे हम। पंडों के बल आ जाइए, थोड़ा सा डिस्टर्ब लिया तो भी आराम से हम बैठ पाते हैं। रिलैक्स, हर एक आसन के बाद थोड़ा सा रिलैक्स। अभी हम करेंगे पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन में पैरों को सामने ही फैलाए रखना है, दोनों हाथ घुटनों पे, जितना हम आगे जा सकते हैं उतना आगे जाना है। अगर अंगूठे पकड़ में आते हैं आपके तो अंगूठे पकड़ो, आगे जाता हो तो आगे जाओ। ये कमर के लिए बहुत अच्छा आसन है, कमर मेरुदंड
अगर ऐसे पकड़ के आता है तो पकड़ के सिर को घुटनों के बीच लगा सकते हैं। इसमें घुटने मोड़ना नहीं है, पूरे घुटने जमीन से सटे हुए रहने चाहिए। हाथ पकड़ में आता हो तो हाथ पकड़ो, अगर आगे जाता हो तो आगे जाओ और झुको। इस झुकने से कमर में, मेरुदंड में बहुत अच्छा प्रभाव होता है। श्वास, हर क्रिया में श्वास का ध्यान रखना चाहिए। श्वास छोड़ते हुए आगे आना है। यह हमारा है पश्चिमोत्तासन। यहां से भी पकड़ सकते हैं अंगूठे, अगर अपना पूरा जाता है तो ज्यादा ले सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। हम जितना रुकते हैं उतना हमें फायदा ज्यादा मिलता है। रिलैक्स, अभी हम करेंगे गोमुखासन। पहले लेफ्ट को मोड़ के फोल्ड किया, उसके ऊपर राइट को, थोड़ा सा क्रॉस में लेना है और दूसरा उसके ऊपर के अपना गोमुख जैसा हो जाता है, घुटने के ऊपर घुटने लेना है। देखो हमारा अभी जो हमारा पैर ऊपर से फोल्ड किया हुआ है, जो घुटना ऊपर है उसी हाथ को हम ऊपर से नीचे लेते हैं, जो नीचे है वो नीचे से नीचे, और नीचे नीचे हमें ये वाली ऐसे पकड़ लेनी, हाथों को ऐसे पकड़ के लेना है। ये वाली से कोने भी सीधे रहनी चाहिए। ये वाली मैं दिखाती हूँ, पीछे से दिखाती हूँ मैं आपको। ये वाली पीछे, अगर किसी किसी को पकड़ में नहीं आता है तो हम नैपकिन का भी यूज कर सकते हैं। ऐसे नैपकिन से पकड़ के जितना हमको होता है वो धीरे 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 हाथ को लेके हम पकड़ सकते, इतना होता है तो धीरे धीरे अभ्यास के बाद अभ्यास से अपने हाथ को पकड़ में आ सकता है। कोनी सीधी रहना चाहिए, हाथ स्प्रेड और अपने दोनों घुटनों पे घुटना। इस आसन पे भी थोड़ा सा कोनी भी सीधी, गर्दन सीधी, मेरुदंड सीधा। ये हमारा गोमुखासन स्ट्रेट है, कोई जैसा वो बनाया है हमने घुटने के ऊपर, तो इसको गोमुखासन कहते हैं। अभी हम दूसरे पैर, दोनों पैरों को खोल दो। अभी जो राइट पैर ऊपर लिया था, अभी लेफ्ट पैर को ऊपर लेना है। राइट को मोड़ के लेफ्ट को ऊपर लेना है। ये हुआ हमारा लेफ्ट पैर ऊपर। अभी लेफ्ट और ऊपर है तो लेफ्ट हाथ ऊपर और ये नीचे, इसको भी हमें पीछे वैसे ही पकड़ना है। मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाते हैं तो अपने पकड़ में ये वाले ऐसे आ जाते हैं। अगर स्टार्टिंग में नहीं होता है तो इसमें भी आप नैपकिन का यूज करके कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे अभ्यास से हो जाता है। वो हमारा गोमुखासन रिलैक्स। अभी हम करेंगे एक शीर्षासन, अर्ध शीर्षासन। ज्यादातर हमें शीर्षासन की जरूरत होती है एज के बाद, थोड़ा सा स्मरण शक्ति में थोड़ा सा लॉस होता है, ध्यान में नहीं रहता है, हमें भूलने की आदत हो जाती है थोड़े एक एज के, और शीर्षासन तो हम नहीं लगा पाते, तो हम इसमें शीर्षासन लगा लेंगे। वंदनासन में आना है, दोनों हाथों को कलाई से एक हाथ को, एक हाथ की मुट्ठी भर एक हाथ को इसे पीछे पकड़ना है, ये वाला इसे पकड़ना है। श्वास भरे,
श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकना है और हम वंदनासन में ललाट को लगाते हैं। अभी इसको ऊपर का जो चोटी का भाग है वो हमें जमीन से लगाना है और हाथों को उठाना है, कमर को उठाना है। श्वास छोड़ते हुए जब भी हम ये आसन करते हैं तो हमारे पूरा लगता है और ये जो हमारी ब्लड की ये होती है वो हमारी चोटी के साइड पे आ जाती है, मस्तिष्क में ब्लड का प्रवाह ज्यादा हो जाता है। हाथ को स्ट्रेच करना है जितना हम हमारी क्षमता के अनुसार रुकना है। हाथ नीचे धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर उठना है। देखो हमें पूरा ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे है, चेहरे की कांति भी बढ़ती है, याददाश्त भी हमारी सुधरने में फायदा हो जाता है। फिर एक बार करेंगे, अभी कलाई बदलेंगे, पहले ये हाथ से पकड़ा था अभी ये हाथ से पकड़ेंगे। धीरे धीरे श्वास भर के श्वास छोड़ते हुए चोटी के भाग को जमीन पे रखना है। हाथों को जितना खींच सकते हैं खींचना है, स्ट्रेट करना है हाथों को। ओके पर मॉर्निंग को आए, हमने आज बैठ के आसन किए हैं, अभी हम थोड़ा सा अनुलोम विलोम करेंगे और किसी को कुछ बोलना हो तो मैं अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ। पहले हम थोड़ा सा अनुलोम विलोम, सुखासन में बैठना हो, पद्मासन, तो कौन से भी आसन में बैठना है, बैठ के हम एक दो मिनट अनुलोम विलोम करते हैं। पहले प्रणव मुद्रा ये वाली है, पहला शून्य ऐसे रख के कर सकते हैं। लेफ्ट से पूरा श्वास पहले निकालना है, फिर लेफ्ट से श्वास भरना है, राइट से धीरे धीरे श्वास को राइट से भरो, फिर लेफ्ट से श्वास लेते समय पेट को फूलना चाहिए, श्वास छोड़ते हुए पेट सिकुड़ना चाहिए, ये सही तरीका हमारा। रिलैक्स। मैंने बहुत बहुत धन्यवाद सबको, धन्यवाद जुड़े हुए सब भाई को धन्यवाद। अब हम प्रार्थना की ओर चलते हैं, हमारा टाइम समाप्त की ओर हुआ है। दोनों हाथ मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, दोनों हाथ आनंद केंद्र पे और सब एक साथ में प्रार्थना करते हैं। मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का अनंत आनंद का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति।
कृतज्ञ उसमें हम सब गुरुदेव के आभारी कृतज्ञ उसमें हम सब गुरुदेव के आभारी है, हम आपके भी आभारी है। बहुत बहुत।